तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे क्रेडिट भी एप्लीकेशन में एक लोन एक्टिव है जो मैंने कल ही लोन लिया हूं, और मैं आज इसका वीडियो बना रहा हूं कि लोन आपको कैसे मिलेगा और कैसे लेना है। पूरा लाइव बताऊंगा, पूरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने करके रखा हूं, लोन लेने का पूरा प्रोसेस है इस वीडियो में, और आगे आपको सभी चीज़ एक एक करके बता दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको लोन लेना है, सेल्फ एम्प्लॉयड अगर हैं, आप लोन लेना चाहते हैं, आपको कोई सैलरी नहीं है, कोई सैलरी इनकम नहीं है, तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। जो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड ही मैं यहाँ पे भरा हूँ, और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कैसे लोन ले सकते हैं क्रेडिट भी एप्लीकेशन से, तो आप इस वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह के वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि किसी को हेल्प हो जाए लोन लेने में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कल ही लोन लिया हूँ, और मुझे कितना इंटरेस्ट लगा है ये सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और कितना इसका EMI बनता है वो भी बताऊँगा, और कितना लोन आपको फर्स्ट टाइम दिया जाएगा क्रेडिट भी एप्लीकेशन से, तो ये सब आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूँगा और आपको बताऊँगा लाइव। यहाँ पर मैं पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कैसे लोन लेना है। शुरू से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लोन लेने से लेके बैंक में रुपया ट्रांसफर होने तक का पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है, 7-8 मिनट का वीडियो होगा, तो प्लीज़ वीडियो को बने रहिए। और अगर आपको लोन लेना है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको भी लोन मिल जाएगा। कोई भी इनकम प्रूफ आपको नहीं देना है, आपको सिंपल से तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, आप उसे फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है अपने क्रेडिट भी एप्लीकेशन में, अभी डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको 100 कॉइन मिल जाता है। तो कॉइन क्या है ये अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्रेडिट भी एप्लीकेशन। तो वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना जानते हैं तो वो वीडियो बना दिया हूँ, वो देख सकते हैं आप, और रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको लोन का लिए यहाँ पे दिया गया है बैंक ट्रांसफ़र अप टू 3500। तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ 3500-4000 रुपया ही आपको दिया जाता है, जो आप लोन लेने के लिए यहाँ पे गेट नाउ पे क्लिक करना है। तो 4000-5000 रुपया आपको अपने हिसाब से दिया जाता है, जो आपके जो भी आपने पैन कार्ड डाला है उस हिसाब से आपको यहाँ पे लोन फर्स्ट टाइम दिया जाता है। उसके बाद आपको जब इसका किस्त जमा करते जाएंगे तो आपको लोन अमाउंट बढ़ते जाएगा। तो 3500 मुझे मिल रहा है, तो मैं इसे गेट नाउ पे क्लिक कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से वीडियो KYC का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। जैसे ही गेट नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो वीडियो KYC का आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो वीडियो KYC पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टार्ट वीडियो कॉल पे आपको क्लिक करना है, स्टार्ट वीडियो कॉल पे आपको क्लिक कर देना है। आपके पास आपका पैन कार्ड होना ज़रूरी है, आपके हाथ में होना चाहिए, तो पैन कार्ड रख लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर कॉल लगाइएगा, वरना कॉल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको लेट नहीं करना है इसमें, कोई भी चीज़ आपको मांगे तो तुरंत आपको देना पड़ता है। तो स्टार्ट वीडियो कॉल पे मैं क्लिक कर दिया हूँ, आपके सामने लाइव ही वीडियो कॉल KYC करूँगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट वीडियो कॉल पे। तो 1-2 मिनट के अंदर में आपको यहाँ पे कॉल के लिए बोला जाएगा, और कॉल भी आ चुका है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने कॉल रिसीव किया हूँ, और मेरा जो यहाँ पे कॉल के लिए क्या क्या कर रहा है कि आपका पैन कार्ड और आपका सेल्फ़ी लिया जाएगा, तो ये सब आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये जैसे ही आप दे देते हैं सेल्फ़ी और पैन कार्ड, तो आपको यहाँ से आपका जो KYC है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब आप आसानी से अपना जो KYC है वीडियो KYC कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो में बता दिया हूँ क्या क्या करना है। उसके बाद आपको जैसे वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से फिर से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें लिखा गया है योर वीडियो KYC इज कंप्लीट एंड सबमिट। सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई डिटेल के लिए कुछ टाइम लगेगा, फ्यू मिनट लिखा गया है, लेकिन ये जल्दी हो जाता है, 30-20 सेकेंड में आ जाएगा आपको मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर। और यहाँ रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रिफ्रेश का बटन है, आप रिफ्रेश पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं रिफ्रेश पे क्लिक कर देता हूँ, और इस रिफ्रेश जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से इंटरफेस इस तरह से मिल जाएगा, जिसमें आपको गेट नाउ पे फिर से क्लिक कर देना है। तो गेट नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको 3500 रुपया का यहाँ लोन मुझे मिल रहा है, तो मैं गेट नाउ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए आपको री एक्सेसिंग योर क्रेडिट प्रोफाइल, तो आपका यहाँ प्रोफाइल चेक हो रहा है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड सभी मैच करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट जैसे ही हो जाता है तो आपको लोन भेज दिया जाएगा कि आपको कितना लोन मिलेगा, कितना आपको चार्ज लगेगा। तो यहाँ देखिए 3 मंथ के लिए मुझे मिल रहा है, जिसका EMI 1220 रुपया बन रहा है, यानी कि 3500 का 3600-3700 रुपया इस तरह से बन रहा है। उसके बाद व्यू समरी चार्ज पे क्लिक करके आपको यहाँ पे चार्ज देख लेना है कि मुझे कितना क्या 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 लग रहा है। तो आपको फर्स्ट टाइम में यहाँ प्रोसेसिंग फीस में आपको 211 रुपया लगेगा। तो प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पे जो आपका लोन अमाउंट दिया जाता है उसी में से काट लिया जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई प्रोमो कोड मिल जाता है, अगर कोई प्रोमो कोड है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद बाय EMI प्रोटेक्टेड तो इसको छोड़ दीजिएगा, 41 रुपये आप मत यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये दोनों मैंने अनटिक कर दिया हूँ। और उसके बाद व्यू रीपेमेंट शेड्यूल पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने इस तरह से आपको दिखाया जाएगा कि आपको कितना कितना तारीख को किस्त बनेगा तो और आपको कितना जमा करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट टाइम आपको 1220 रुपया, सेकेंड टाइम 1220 रुपया और थर्ड टाइम 1219 रुपया। इस तरह से आप 3 महीना में आप इस किस्त को जमा करेंगे और आपका लोन कम्प्लीट हो जाएगा। जो भी लोन अमाउंट लिए हैं उसको आपको यहाँ इस तरह से रिपेमेंट करना है, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से लोन पर्पज़ के लिए आप यहाँ कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, मैंने पर्सनल रीजन पे सेलेक्ट किया हूँ, कोई पर्सनल काम होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड सेविंग बैंक अकाउंट, तो यहाँ एक आपको अपना जो बैंक अकाउंट है सेविंग अकाउंट उसको यहाँ ऐड करना होता है। तो बैंक अकाउंट ऐड करेंगे जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी आपको यहाँ ऐड बैंक IFC कोड है सबसे ऊपर में वो आपको डालना है, बैंक का IFC कोड, उसके बाद बैंक अकाउंट का नंबर और दोबारा से बैंक अकाउंट का नंबर डाल देंगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप अच्छा से मिलान कर लीजिएगा, उसके बाद आप डाल लीजिएगा बैंक अकाउंट गलती मत डालिएगा वरना रुपया कहीं और जाएगा। उसके बाद आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है नीचे में टिक करके, उसके बाद कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देना है, आपको 1 रुपया भेज दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में बैंक वेरिफिकेशन के लिए। तो कंटिन्यू पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट शो हो जाता है, जो भी आपने बैंक अकाउंट यहाँ पे डाले हैं वो आपको इस तरह से दिख रहा होगा। अगर दूसरा अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड सेविंग बैंक अकाउंट पे आप क्लिक कर सकते हैं, वरना कंटिन्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सिंपल से। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपको साइन लोन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको एक साइन करना है। आपको देखिए आपको पिक्चर क्लिक करना होता है आपके फेस का, उसके बाद यहाँ टिक करना है कंटिन्यू साइन लोन डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर देना है, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जो भी प्रोसेस है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये तीनों को आपको टिक कर देना है, कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देना है। तो इस तरह से उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, OTP यहाँ पे आपको फिल करके कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करना है। प्रोसीड टू टेक सेल्फी, तो यहाँ से आपको एक सेल्फी लेना है अपने फेस का, अच्छे से कैमरा में देखते हुए लेना है सेल्फी, और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो ये आपका जो वेरिफिकेशन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए ये सब साइन भी आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आपको देख सकते हैं आपका लोन जो है 1 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और मेरे अकाउंट में कितना का लोन आया है मैं वो बता देता हूँ, मुझे में आया है 3172 रुपया आया है, क्योंकि इसमें 300 से 250 रुपया चार्ज में कट जाता है, आपको पहले ही बता दिया हूँ, ऊपर में ही आपको बता दिया था कि इसमें कितना का चार्ज लगता है, प्रोसेसिंग फी ये लगता है। और उसके बाद आपको इंटरेस्ट इसमें बहुत कम लगता है, 1200 रुपया मुझे कुछ समथिंग जमा करना है 3 महीने के लिए 1220 रुपया का, तो 3660 रुपया इस तरह से पड़ता है, तो ज़्यादा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस 200 से 300 रुपये आपको यहाँ पे कटेगा। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, अगर आपको लोन लेना है ज़रूरी है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, पूरा प्रोसेस बता दिया हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। अगर आपको लोन लेना है तो वीडियो आप देख से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और